आज मेरठ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जनसभा थी, जिसमें उन्होंने 17,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया, लोकार्पण किया। उन्होंने वादा किया कि आने वाले पाँच साल में मेरठ समेत पूरी वेस्ट यूपी को चमका देंगे। और आज जब मैं मेरठ आया तो बने हुए नए एक्सप्रेस हाईवे से आया, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मेरठ की जनता का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मुझे ये कार्य करने का सौभाग्य मिला, ये मेरा परम भाग्य है। आपके साथ एक नई विजन के साथ यहाँ का विकास होगा, इस बात की खुशी सभी लोगों के मन में है। बहनों और भाइयों, आज हम चौधरी चरण सिंह जी का भी स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के लिए विशेष रूप से अपने जीवन में किसानों के जीवन स्तर को उठाने के लिए, गांव गरीब मजदूर किसान के अधिकारों के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। और आज उनके स्मृति को याद करते हुए मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने यह निर्णय किया, अब किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा तो किसान ऊर्जादाता होगा। और मैं पिछले 15-20 साल से लगातार प्रयास कर रहा था, मैं भी किसान हूँ, मेरे क्षेत्र में चीनी मिले चलाता हूँ तीन, और मुझे खुशी है कि आज इथेनॉल के कारण आज किसानों को राहत मिली है। अगर इथेनॉल नहीं होता तो गन्ना उत्पादक किसानों को शायद उनका पैसा मिलने में बहुत दिक्कत होती। और अब हमने निर्णय किया और कल ही मैंने फाइल पर साइन किया है, एक एडवाइजरी 2 दिन में इश्यू हो जाएगी कि अब हमारी जितनी पेट्रोल पर चलने वाली मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, ऑटो रिक्शा है, फोर व्हीलर है, चाहे वो टोयोटा हो, बीएमडब्ल्यू हो, मर्सिडीज हो, हुंडई हो, अब 100% पेट्रोल के साथ 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल पर चलेंगे, जो किसानों के तैयार के लिए चलेंगे। प्रदूषण भी कम होगा और किसानों का भी होगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे जिसका आज लोकार्पण हो रहा, 10,265 करोड़ रुपए की लागत से ये 82 किलोमीटर लंबा 14 लेन दिल्ली से बीच में है, मेरठ में जब पलटता है तो 6 लेन है, आगे ये और 6 लेन का 12 लेन तक हो सकता है, इतनी जगह हमने लेके रखी है। बहनों और भाइयों, पहले 3-3.5 घंटे लगते थे, अब लोग मुझे 40 में 45 मिनट में हम आते हैं सब बता रहे हैं। पर आपको मैं बताना चाहूं कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, क्योंकि दिल्ली से देहरादून स्वामीनारायण मंदिर से हम नया रोड और बना रहे हैं जो एलिवेटेड रोड होगा, इसके अलावा दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे। अभी उत्तर प्रदेश की तो बात बहुत बड़ी है, हमको कम से कम उत्तर प्रदेश में 1,80,000 करोड़ रुपए के काम लगभग पूरे कर चुके हैं, करीब 1,20,000 करोड़ के काम चल रहे हैं और 1,00,000 करोड़ के काम जो डीपीआर स्टेज पर है, तो 4,00,000 करोड़ तक काम लगभग पहुंच गए हैं। पर मैंने परसों ही योगी जी के साथ में जब था मिर्जापुर में, तब मैंने उनको विश्वास दिया कि उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के सरकार का जो डबल इंजन है उसको कायम रखे, मैं आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश को 5,00,000 करोड़ रुपए और रस्ते के लिए दूंगा, ऐसा विश्वास करने दिया। फिर से एक बार आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार। 14 मिनट के उनके भाषण में विकास पर ही फोकस रहा। उन्होंने कहा कि
वेस्ट यूपी में कभी सड़कें नहीं होती थी, लेकिन आज हर तरफ विकास ही विकास है। कई योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण किया और समर्पण किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने इससे पूर्व केशव प्रसाद ने कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगे कराने वाली सरकार कौन सी थी, उन्होंने सीधे घेराबंदी करते हुए अखिलेश यादव को कहा कि संरक्षण देने वाले भी अपराधियों को वही हैं। इसके अलावा उन्होंने तमाम राजनीतिक नेताओं को भी निशाने पर लिया और कहा कि वेस्ट यूपी आने वाला टाइम भाजपा का है और कमल खिलकर रहेगा। दिल्ली एक्सप्रेस वे तो आपके सामने खड़ा ही है, ऐसा एक्सप्रेस वे मैं समझता हूँ मेरे बड़े बुजुर्ग भी खड़े बैठे होंगे, कल्पना नहीं किए होंगे कभी मेरठ से दिल्ली हम एक घंटे के अंदर पहुंच जाए। लेकिन आज वह दिन आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ आप सब बिजली कितनी पाते थे, आपको और गांवों की सड़कें कैसी थी, गरीबों के लिए जो योजना बनती थी वो कैसे पहुंच रही थी। मेरे भाई बहनों, मैं आप सब लोगों का आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, 2022 का विधानसभा चुनाव है, मेरा विश्वास है, मैं पूरे प्रदेश में घूम रहा हूं, अपने माननीय राष्ट्रीय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताना चाहता हूं, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीधे भारतीय जनता पार्टी जीत करके सरकार बनाने जा रही है। किसी के लिए सगे नहीं है। मैंने कहा सुनिए अखिलेश यादव जी, आजकल बहुत मेरी बात कर देते हैं, पिछड़ों की बात कर देते हैं। मैंने कहा 2012 से 17 तक अखिलेश यादव जी आप सत्ता में थे, अगर पिछड़ों की इतनी चिंता थी तो अपनी सरकार में किसी को सीएम तो आप बनाते नहीं, लेकिन आप किसी को डिप्टी सीएम बना देते, यह काम किए क्या अखिलेश यादव जी। इसीलिए मैं कहता हूं श्री मुलायम सिंह यादव जी के सल्तनत के आखिरी मुख्यमंत्री के रूप में 2012 से 17 के बीच में इन्होंने जो कुछ करना था वो करके दिखाया है। आज हम सब अपने नेता माननीय गडकरी जी को सुनने के लिए आए हैं। मेरा सबसे अनुरोध है, एक एक व्यक्ति जो नेतृत्व मंच पर है, चाहे केशव प्रसाद सहित और जो नहीं आप पर उपस्थित है, सब उसी तरह बन करके अपने अपने बूथ की ईवीएम मशीन को जरा 2022 में भी लबालब करके दिखा दीजिए, कमल का फूल फिरा दीजिए, सदा सदा के लिए सपा बसपा कांग्रेस नाम की बीमारी उत्तर प्रदेश से समाप्त हो जाएगी, ये भरोसा रखिएगा। यही निवेदन करते हुए
कारण से उसको मौत के घाट उतारा गया। और जब पुलिस ने पकड़ लिया तो पुलिस को पकड़ने के बाद उस हत्यारों को छुड़वाने का काम श्री अखिलेश यादव जी आपकी सरकार ने किया। आप ही उस समय गृह मंत्री का भी दायित्व मुख्यमंत्री के साथ आपके ऊपर था। मांग किया जा सकता है क्या ऐसे लोगों को जो पलायन करने के लिए मजबूर हुए थे, किसकी सरकार में हुए थे? आप सबको मैं आह्वान करके जा रहा हूं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के साथ साथ गुंडागर्दी से सदा सदा के लिए उत्तर प्रदेश को मुक्त करा देने का वक्त है। और आप सबको मैं अपील करके जा रहा हूं, कोई छोटे मोटे मेरे कार्यकर्ता मित्रों, कोई भी बात मन में हो, विरोधियों के पास भाजपा के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, आप चिंता मत करना। कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी सुरक्षित रखेंगे और जनता का अधिकार जनता तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। मैं रामबोल तोमर, जनवाणी न्यूज के लिए किशन सुदन के साथ।